नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बिहार में दो बड़े नेताओं की बरसी चर्चा में है। रविवार को पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की बरसी मनाई जा रही है और अगले दिन सोमवार को राजद के कदावर नेता रहे रघुवंश प्रसाद सिंह की बरसी मुजफ्फरपुर में है। दोनों के पुत्रों ने उनके कथ के मुताबिक इसे मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। दोनों जगह हजारों की जुटान होनी तय है। लोजपा में दो फाड़ होने के बाद अपनी राजनीतिक जमीन फिर से मजबूत करने में जुटे रामविलास के पुत्र चिराग ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सोनिया गांधी से लेकर तमाम नेताओं को न्योता भेजा। तो राजद छोड़ जदयू में शामिल रघुवंश के पुत्र ने नीतीश और तेजस्वी दोनों को ही बुलाया है। रामविलास पासवान का निधन गत वर्ष 8 अक्टूबर को हुआ था। उनके निधन को 11 महीने हो चुके हैं। इस बीच परिवार और पार्टी दोनों ही बढ़ चुके हैं। उनकी बरसी भी दो बार मनाई जा रही है। एक तिथि के हिसाब से पुत्र चिराग कल यानी रविवार को मना रहे हैं तो दूसरे चिराग का साथ छोड़ केंद्र में मंत्री बने रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस से एक साल पूरे होने पर 8 अक्टूबर को मनाएंगे। दोनों ही आयोजनों में बड़ी जुटान दिखाकर खुद को रामविलास का असली उत्तराधिकारी बताने की कोशिश होगी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए डीबीएस टीवी।